देश भर में आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। आज की जाती है भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा। भगवान कुबेर देते हैं धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद, तो भगवान धन्वंतरी से मिलता है आरोग्य काया का वरदान। धनतेरस से ही मानी जाती है दिवाली के त्योहार की शुरुआत। भाई दूज तक चलता ही है पवित्र और दीपों का त्योहार। धनतेरस में लोगों से पट जाते हैं बाजार। सोने चांदी के गहने, धातुओं के बर्तन, खीर बताशे जैसी चीजें खरीदना माना जाता है शुभ। शाम 6:28 से शुरू होगा धनतेरस का मुहूर्त, जो 1:42 तक रहेगा जारी, यानी रात 8:32 तक रहेगा। साउथ दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में खरीदारों की उमड़ी बंपर भीड़। लोगों ने की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस मेटल डिटेक्टर से ले रही लोगों की तलाशी। बरेली में दिवाली के मौके पर आईजी रेंज ने पुलिस बल के साथ मार्केट में किया मार्च। लोगों को त्योहारी मौसम में करवाए सुरक्षा का एहसास। जयपुर में धनतेरस और दिवाली के मौके पर बाजार लोगों से हुए गुलजार। लोग घरों को सजाने का सामान, सोने चांदी के जेवर जैसी चीजों की कर रहे खरीदारी। दिवाली के मौके पर शानदार लाइटों से जगमगाया जयपुर। चौक चौराहों पर लगी रंग बिरंगी झालरें। जयपुर के चौराहों पर कलाकार छिड़ रहे तबले और शहनाई की धुन। लाइटों से बनाएगी भगवान राम की आकृति। दीपोत्सव को लेकर राम मंदिर में की गई शानदार लाइटों से सजावट। राम मंदिर के शिखर पर हो रहे प्रभु श्री राम के धनुधारी मुद्रा के अलौकिक दर्शन। दीपोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। रोशनी से जगमग हुआ सूर्य स्तंभ। राम मंदिर जाने वाले मार्ग पर प्रभु श्री राम के लगाए गए कटआउट डिजिटल रामकथा की प्रस्तुति के साथ सड़कों पर बजाया जा रहा रामधुन। अयोध्या की राम की पैड़ी पर शानदार लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति। दीपोत्सव से पहले अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। अयोध्या के सरयू तट पर दीपोत्सव के तहत की गई आरती। बड़ी संख्या में आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। अयोध्या के चौराहों को रोशन करने की तैयारी। रंग बिरंगे शामियाने से छनकर बिखरेगी रोशनी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के लिए विशेष तैयारी। दीपोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। लता मंगेशकर चौक पर गश्त करते दिखे सुरक्षाकर्मी। दीपों का महाकुंभ। दीपोत्सव की सुरक्षा अयोध्या को 14 जोन में बांटा गया। 40 सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उच्च पुलिस अधिकारी। राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया। येलो जोन और रेड जोन के लिए कंट्रोल रूम तैयार। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों के जरिए रखी जा रही नजर। सरयू की सुरक्षा में जल पुलिस, एसडीआरएफ की भी तैनाती। क्राउड कंट्रोल के लिए अलग से ड्यूटी लगाई गई। दीपोत्सव की तैयारी को लेकर स्कूल कॉलेज के छात्राओं में जोश और उमंग। मिट्टी के दीयों से सजाई जा रही राम की पैड़ी। स्थानीय लोग भी दीपोत्सव को यादगार बनाने में जुटे। दीयों से लिखा जा रहा है प्रभु श्री राम का नाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यादगार होगा इस बार का दीपोत्सव। दीपोत्सव पर 28,00,000 दीयों से जगमग होंगे 55 घाट। दीपोत्सव की तैयारी में जुटे 30,000 वॉलंटियर्स। दीपोत्सव को लेकर प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाती बनाई जा रही झांकियां। 18 मनमोहक झांकियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को होंगे रामकथा के दर्शन। सरयू तट पर आरती का बनेगा विश्व कीर्तिमान। एक साथ 1100 अर्चक सरयू मां की करेंगे आरती। 1100 अर्चक पीले रंग के परिधान में आएंगे नजर। 11 खंड बनेंगे, प्रत्येक खंड में 100 अर्चक रहेंगे। हैदराबाद के बाजारों में दिवाली की रौनक। कई तरह के खूबसूरत दियों की हो रही बिक्री। मां लक्ष्मी की थाली की बाजार में काफी डिमांड। मुनाफे से दुकानदारों के खिले चेहरे। मुंबई के बाजारों में दीपावली की छाई रौनक। बाजार में कई डिजाइन के बिक रहे कंदील। मुनाफे से खुश हुए व्यवसायी। उधम सिंह नगर में दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रज्वलित किए गए 51,000 दिए। रामधुन पर झूमते दिखे स्कूली बच्चे।
जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों में दिवाली को लेकर जोश का माहौल, सुरक्षाकर्मियों ने खुशहाल दिवाली की कामना की। अमरावती में दिवाली के लिए सोने की वर्क से बनी सोनेरी भोग मिठाई आकर्षण का बनी केंद्र, 14,000 प्रति किलो है सोनेरी भोग की मिठाई की कीमत। अयोध्या में 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। जयपुर में ज्वेलरी बॉक्स में सोने चांदी से बनी अनोखी मिठाई, खरीदारों की लगी भीड़। मिठाई के साथ ग्राहकों को मुफ्त में मिलेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, 45,000 रुपए बताई जा रही मिठाई की कीमत। जयपुर के गाय के गोबर से रोशन होगी अमेरिका और मॉरिशस में दिवाली, गोबर के कलरफुल दीपकों की जबरदस्त डिमांड। अमेरिका से मिला 10 लाख दियों का ऑर्डर, मॉरिशस भेजे गए लाखों दिए। प्रधानमंत्री मोदी आज 13,000 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात, भगवान धन्वंतरि की जयंती पर पीएम स्वास्थ्य सेवाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी भोपाल एम्स के एक्सटेंशन का करेंगे उद्घाटन, इसके अलावा भी कई अस्पतालों और सुविधाओं का पीएम करेंगे उद्घाटन। पीएम मेडिकल के क्षेत्र में ड्रोन सुविधा का भी करेंगे शुभारंभ, इस सेवा से दूर सुदूर इलाकों में मदद पहुंचाने में होगी आसानी। आयुष्मान योजना के तहत 70 साल और उससे ऊपर के बुजुर्गों के लिए नई स्कीम की करेंगे शुरुआत, 12,850 करोड़ रुपए इन तमाम योजनाओं पर होंगे खर्च। आज रोजगार मेले में युवाओं को पीएम देंगे रोजगार की सौगात, प्रधानमंत्री 51,000 नवनियुक्त युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने अमरेली के लाठी में विकास कार्यों का किया शुभारंभ, 4,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। अमरेली में पीएम मोदी ने भारत माता सरोवर का किया उद्घाटन, इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद, जल संकट के बीच सरोवर की होगी अहम भूमिका। पीएम मोदी के संबोधन से पहले किया गया स्वागत, राम मंदिर के रेप्लिका के साथ शॉल की गई भेंट। पीएम मोदी ने अमरेली में विशाल जनसभा को किया संबोधित, कहा आज गुजरात में विमान बनाने वाली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। गुजरात में जल संकट को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा जब गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी तो सबसे पहले पानी को प्राथमिकता दी।